या तो उनको समझा देवे, नहीं तो हम पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और हम राणा पहुंचा भील वीर एकलव्या और राजा सोरमा बन गए तो फिर हमें काबू करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए कह के जा रहा हूं आज कि जिसने भी ये किया है उसको समझा देना, नहीं तो एंड से एंड बजा देंगे हम। और ऐसा नहीं हो जाएगा, हमारे को 3 दिन तक यहाँ रुकना पड़े, लेकिन हम न्याय लेके रूटेंगे किसने हमको शोर चाहिए। अपनी खूब लड़ाई जो कि योगदान राणा योगदान महाराणा प्रताप को दिया था, लेकिन उन्होंने अपने राणा पूजा भील का जो कुछ भी इतिहास था तो वो इतिहास अपनों से छुपा दिया और उनका इतिहास दर्शा दिया। लड़ाई के मुकाबले में मुगलों से जो चक्के छुड़वाए वो अकेले उन्होंने नहीं छुड़वाए थे, बल्कि अपना जो बब्बर शेर राणा पूजा भील की वजह से मुगलों ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। तो कहा जाता कि हल्दी घाटी राणा प्रताप की वजह से है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि और आपको भी बताना चाहूँगा कि हल्दी वो जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में कहते हैं कि हल्दी जैसा खून है, हालांकि वैसा कुछ नहीं है, हल्दी जैसा खून नहीं होता है, खून तो लाल ही होता है और सूखने के बाद काला पड़ जाता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र अपनाया है, क्योंकि वो खुद जान रहे हैं कि ये लोग इनके पूर्वज को भूल जाए और हल्दी घाटी का नाम प्रसिद्ध फेमस हो जाए। तो अपन ये चाहेंगे कि आपको भी बता दूं कि वहां पे राणा पूंजा भील के साथ एक अपनी माता हल्दीबाई नाम करके अपनी एक महिला थी अपने समाज की, हल्दीबाई ने बहुत योगदान बढ़ा दिया, हल्दीबाई की वजह से हल्दी घाटी का नाम पड़ा। और शायद हल्दीबाई के इतिहास को वो मुगल तो चले गए, लेकिन मुगलों की औलाद आज तो रह गई है कहीं कहीं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हल्दीबाई का इतिहास उजागर किया जाए, लेकिन कहीं कहीं हमने कहीं कहीं कानून कई किताबों में पढ़ा है कि हल्दीबाई का बहुत बड़ा योगदान था। तो राणा पूजा भील के साथ जो लोग असामाजिक तत्व मिलकर जो हमें बार बार उकसा रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि पता लगा देना सलाड़ा में क्या हुआ था। सलाड़ा में भूकंप आ गया था, इतने लोग एकत्रित हुए गए थे। तो अभी कुछ लोगों ने हमारे एकलव्य बोर्ड पे कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां हमें उपसाने की कोशिश की है, तो मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि समझ जाइए, सुधर जाइए, वरना हम जिस दिन हम हमारी पे आ गए तो फिर आप गए तो फिर वादे पड़ जाएंगे। जो भी है उनको बोल देना कि जिसने गलती की है वो गलती स्वीकार कर दे और बोर्ड को सही वापस कर दे वे, नहीं तो अगर हम जिस दिन वीर एकलव्य बन गए तो फिर मामला भारी पड़ जाएगा। आपको जहां भी जो भी कास्ट मिले आपको कहीं कहीं पता। एक चीज और कह रहा हूं कि अपने को शिक्षा के माध्यम से आगे रहना है, आगे आना है, क्योंकि आज अपने समाज में शिक्षा की कमी है। शिक्षा कुछ लोग कहते हैं कि ये इधर जाते हैं, इधर घूमते हैं, इधर घूमते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। अरे हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज की ताकत है। लेकिन ये जो दिख रहे हैं महापूर्वज बाबा साहब के घर में उनका बड़ा बेटा और उनकी खुद एक छोटी बच्ची बीमार थे, तो घर में बीमार ही उनको पड़े रहना दिया। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे को इंग्लैंड जाना है, अगर वहां मैं नहीं जाऊंगा, इधर तो मेरे घर में दो मरेंगे, अगर वहां मैं नहीं जाऊंगा तो करोड़ों की जनसंख्या आने वाली पीढ़ियां मरेगी। तो बाबा साहब ने यह प्रण लगा और बाबा साहब ने बोला कि मेरे को इंग्लैंड जाना है और देश का संविधान तैयार करना है। तो बाबा साहब ने वहां जाके पढ़ाई की और उस मीटिंग में जाके बहुत बड़ा योगदान दिया। और उनके साथ ही हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने हमारे बारे में कुछ उनको राय साहब को राय दी, तो उनके हिसाब से कानून बना। तो हमारे जो पूर्वजों का योगदान था, राणा पूजा भील, बिरसा मुंडा, टंडिया मामा भील में भी आज इतनी ताकत है कि रेल का कोई भी ड्राइवर जो कि उनको अगर सैल्यूट नहीं करता है तो वो सारे आंकड़े जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आते हैं वहां पे अगर को प्रत्येक रेल का अगर ड्राइवर उसको उनको सैल्यूट नहीं करता पूर्वज को,
तो रेल अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाती है। इतनी बड़ी वहाँ ताकत है तो फिर अपने पूर्वजों की उतनी बड़ी ताकत है, तो फिर अपने को अपने पूर्वज ने एक जिम्मा दिया था कि हम संघर्ष करके जा रहे हैं लेकिन तुम पीछे जागते रहना, अगर तुम छो जाओगे तो फिर हमारी इतनी बड़ी जो कुर्बानी थी वो ऐसा नहीं हो जाए कि मिट्टी में मिल जाए। तो